वेलकम बैक टू MBBS Mentor. Hope होप यू ऑल आर वेल इन दिस पेंडेमिक टाइम्स बहुत दिनों से मैं देख रहा था कि अब चैनल पर ना तो ज्यादा व्यूज आ रहे हैं ना ही कोई कमेंट्स आ रहे हैं सब कुछ बहुत बोरिंग हो गया है सो so, इसीलिए मैंने आज से एक ये नई वीडियो सीरीज स्टार्ट की है कि जिसमें हम कंटेम्परे टॉपिक्स और जनरल साइंटिफिक अवेयरनेस पर बात करेंगे सो लेट्स टॉक अबाउट दोना वायरस टूडे कोविड नाइन्टीन के इस पेंडेमिक में सबसे जरूरी प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी क्या है मास्क यस द वेयरिंग ऑफ मास्क तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि मास्क क्यों पहनना है कौन सा मास्क पहनना है कैसे पहनना है एंड ऑल दैट बट फर्स्ट विल सी हाउ टू प्रॉपरली वेयर एंड डिस्पोज अ मास्क As यू कैन सी इन द पिक्चर द फर्स्ट स्टेप इज टू इंश्योर कि मास्क आपके फेस साइज के अकॉर्डिंग है दे आर डिफरेंट फेस साइजेस कुछ लोगों का बहुत छोटा होता है कुछ लोगों का बहुत ज्यादा बड़ा होता है फेस एंड दे पीपल डोंट जनरली चूज अ मास्क दैट फिट्स दे फेस सो इट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कि फेस मास्क आपके फेस के अकॉर्डिंग है तो द दिक्कत स्टेप इज टू होल्ड द मास्क मास्क को हम जब हैंडल करते हैं तो सिर्फ उसके स्ट्रिंग्स को पकड़ते हैं मास्क की जो स्ट्रिंग्स हैं उसको पकड़कर हम अपने कानों की Uh, कानों में दोनों में स्ट्रेच करेंगे कानों के पीछे फिक्स कर देंगे नेक्स्ट मास्क के ऊपर जो उसका नोज पीस है वहाँ एक मेटालिक स्ट्रिप लगी है उसको हम प्रेस करके अपनी नाक के शेप का कर लेते हैं उसके बाद वी कवर वी कवर आवर माउथ एंड नोज एंड इंश्योर कि कोई गैप ना हो एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट आफ्टर वेयरिंग वंस एक बार पहनने के बाद मास्क को बार बार टच और एडजस्ट नहीं करना है दैट वाज सिंपल कि मास्क कैसे पहनना है नाउ वील सी डॉफिंग कि मास्क को कैसे उतारेंगे मास्क उतारने के लिए भी इस, मास्क उतारना इज मोर कॉम्प्लेक्स देन वेयरिंग ए मास्क इन टर्म्स ऑफ ऑफ इन्फेक्शन तो आपको क्या करना है मास्क की सामने वाली सर्फेस को नह, इनको नहीं को नहीं छूना है जस्ट पीछे वाली स्ट्रिंग्स जो हैं सिर्फ उससे उस मास्क को पकड़ना है कान के पीछे से उनको स्ट्रिंग्स को निकालना है

Uh, the first case is in which we are not wearing a mask. The second one is in which there is only a single-layer mask, and the third one is the is, is a triple-layer mask. So you can clearly see the difference. Now, according to ICMR, Indian Council of Medical Research, these droplets, jo hai, jo, uh, infectious droplets, hai, ye, they can go up to eight feet. So we need to wear a mask that is, which is that effective. सी डी सी अकॉर्डिंग टू सी डी सी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सी डी सी ने एक अच्छे मास्क के लिए गाइडलाइंस दिए हैं विच आर नंबर वन इट शुड बी मेड ऑफ नॉन वूवन मटीरियल या कॉटन फैब्रिक का मास्क को नॉन वूवन मटीरियल यानी सर्जिकल मास्क को या फिर कॉटन अगर फैब्रिक फैब्रिक का है कपड़े का है तो फिर इट शुड बी ऑफ कॉटन फैब्रिक नंबर टू इट शुड बी द मोर द लेयर्स द बेटर इट इज जितनी ज्यादा लेयर्स होंगी उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा मास्क नंबर थ्री द मास्क शुड बी टाइट एंड फिट टू द फेस मास्क जो है वो टाइट होना चाहिए इट शुड नॉट बी लूज नॉर्मली हम लोग बहुत ढीले ढीले मास्क पहनते हैं बिकॉज वी वी नॉट यूज टू वेयरिंग मास्क एंड इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम मगर वी मस्ट मेक श्योर दैट द मास्क इज टाइट मास्क हमारे फेस के अकॉर्डिंग हो नंबर फोर इट शुड नॉट हैव एनी एक्सपायरेटरी वॉल्व कोई भी एक्सपायरेटरी वॉल्व नहीं होना चाहिए एक्सपायरेटरी वॉल्व एज यू कैन सी इन द पिक्चर नॉर्मली मास्क के बाहर एक एक्सपाइरेटरी वॉल्व होता है वी थिंक मास्क जिस मास में ये वॉल्व होगा दैट इज़ वेरी इफेक्टिव उसमें कुछ खास बात है बट दैट इज ऑल अ लाई अस जिस मास जिस में एक्सपायरेटरी वॉल्व होगा दैट इज अ सेल्फिश मास्क वाई दैट मास्क प्रिवेंट्स यू फ्रॉम दोना वायरस यू आर सेफ बट इनकेस फॉर एग्जाम्पल यू आर कोविड पॉजिटिव एंड यू डोंट नो तो वो मास्क आपको तो प्रोटेक्ट कर रहा है मगर आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं जो पॉजिटिव ड्रॉपलेट्स हैं वो उस एक्सपाइरेटरी वॉल्व के जरिए सब में स्प्रेड हो रहे हैं सो इनडायरेक्टली यू आर स्प्रेडिंग द इन्फेक्शन हेंस एक्सपायरेटरी वॉल्व वाले मास्क नहीं पहनने हैं नंबर फाइव इज इट शुड हैव एन इफेक्टिव नोज इट शुड हैव एन इफेक्टिव नोज पीस इफेक्टिव नोज पीस यानी मास्क के ऊपर वाली साइड पर एक थिन एल्यूमिनियम की स्ट्रिप होती है वो होना चाहिए उसका एडवांटेज ये है कि इट गेट्स फर्मली अटैच टू योर नोज और उसके बाद इट इट सील्स दी इट सील्स योर नोज सो तो वो मास्क जिसमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं वही कोविड नाइनटीन के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं एल्स नॉट सो काइंड नेक्स्ट टाइम यू यू गो एंड बाय अ मास्क मेक श्योर ऑफ दिस थिंग्स नाउ अब हम एक एक करके सारे मास्क के टाइप्स को देखेंगे कौन कौन के कौन कौन के से मास्क हम पहनते हैं सो नंबर फर्स्ट इज अंगूछा या गमछा या नॉर्मल जो लोग रुमाल से अपने फेस को कवर कर लेते हैं सो प्लीज लेसन अंगूछा या गमछा पहनना बिल्कुल भी प्रेफरेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द स्टडीज कंडक्टेड बाय फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी ये इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स को सिर्फ और सिर्फ फोर फीट तक प्रिवेंट कर सकता है इससे ज्यादा नहीं मोर ओवर चूंकि इन इन इन, इन गमछे या अंगूछे की लेंथ बहुत ज्यादा होती है और इसमें डिमार्केशन नहीं होता कि बाहर वाली साइड कौन सी और अंदर वाली साइड कौन सी है तो बहुत चांसेस हैं कि जब आप दूसरी बार मास्क पहनें तो आपको पता ही नहीं है कि बाहर वाली साइड कौन सी थी जो साइड आपके पहले पहनने में बाहर थी वो अब अंदर हो सो यू ऑल यू गेट इन्फेक्टेड सो दैट इज़ नॉट अ प्रेफरेबल टाइप नंबर टू इज क्लॉथ मास्क क्लॉथ मास्क आप फैशनेबल फैशनेबल होते हैं और कंफर्टेबल होते हैं बट मोस्ट ऑफ द क्लॉथ मास्क के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इनमें नोस पीस या नोस एडजस्टर नहीं होता नोज एडजस्टेड नहीं होता तो आपके नोज के ऊपर वाला एरिया एक्सपोज रहता है उसमें बहुत आसानी से इन्फेक्शन आ सकता है हिंस अगर आप क्लॉथ मास्क पहन लेना चाह रहे हैं सो प्लीज मेक श्योर कि वो मल्टी लेयर्ड हो और उसमें नोज पीस हो एंड इट शुड बी ऑफ कॉटन फैब्रिक नाउ कमिंग टू द सर्जिकल मास्क सर्जिकल मास्क अकॉर्डिंग टू यूरोपियन जनरल स्टडीज सर्जिकल मास्क जो हैं वो क्लॉथ मास्क से थ्री टाइम्स मोर इफेक्टिव है बिकॉज बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ नॉन वूविंग फैब्रिक material एंड हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट अब यहाँ बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि क्लोथ मास्क तो बहुत ज़्यादा थिक होता है और सर्जिकल मास्क इज वेरी थिन इन कंपैरिजन टू इट बट सर्जिकल मास्क इज वे मोर बेटर देन क्लोथ मास्क बिकॉज इट इज डिजाइंड फॉर दैट पर्पज ओनली उसमें सबसे पहले कि वो नॉन वूमेन फैब्रिक मटीरियल से बना होता है फैब्रिक की जब हम डिज़ाइनिंग देखते हैं उसे जूम करके देखेंगे तो उसमें स्पेसेस होते हैं इन्फेक्शन जो है उसके अंदर उसकी उसकी थ्रू आ सकता है मगर सर्जिकल मास्क में ऐसा नहीं है एंड इट हैज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट कि जिसके जरिए वायरस जो है आपके मास्क के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता इन नॉर्मल वेयरिंग जिसमें हम एज यू कैन सी इन द इमेज कि जिसमें हम सिंपल उसके जो ईयर ईयर स्ट्रिंग्स हैं उसको हम सिंपली वेयर कर लेते हैं अगर उस तरीके से वेयर करेंगे तो इट कैन ब्लॉक फिफ्टी सेवन परसेंट ऑफ इयर ड्रॉपलेट्स और अगर हम क्रॉस नॉटिंग करेंगे उसकी जो स्ट्रिंग्स uh, हैं उसको हम क्रॉस करके वेयर करेंगे एज इन द इमेज सो इट कैन इट कैन प्रूव टू बी सेवेंटी सेवन परसेंट मोर इफेक्टिव दैन स बट इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि दैट इज नॉट रीयूजल इट इज नॉट रीयूजल इसकी इसका लाइफ स्पैन सिर्फ six, आ, सिर्फ छः घंटे का होता है और उसके बाद यू हैव टू थ्रो इट और अगर हम इसे वॉश कर लेते हैं तो वॉश करके पहनेंगे तो इसके जो इन नॉन वुमेन मटीरियल है दैट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट जो है वो नलीफाई हो जाएगा और कोई फायदा नहीं होगा वन दे इज वन सिंपल टेस्ट यू कैन यू कैन डू एट होम टू टू टेस्ट कि आपका क्लॉथ मास्क इफेक्टिव है या नहीं टू जस्ट एक क्लॉथ मास्क उसको लाइट के सोर्स की तरफ डायरेक्ट करें एन सी अगर उसमें से लाइट पेनीट्रेट कर रही है तो तो आपका मास्क इफेक्टिव नहीं है और अगर आपको लाइट नहीं पेनीट्रेट करती हुई दिख रही देन यो क्लॉथ मास्क इज इफेक्टिव

वो आपको नहीं पहनना है जिसमें एक्सपायरेटरी वॉल्व होता है दैट एज आई टोल्ड यू अर्लियर वो नहीं पहनना है बिकॉज वो आपको आपको तो इन्फेक्शन से से बचा सकता है बट इन केस यू आर इन्फेक्टेड तो उस वॉल्व के जरिए आप अपनी इन्फेक्टेड एयर दूसरों तक फैला रहे हैं एंड द सेकेंड कैटेगरी इज विदाउट द एक्सपायरेटरी वॉल्व विदाउट द एक्सपायरेटरी वॉल्व इज द बेस्ट बेस्ट मास्क नाउ इन द कंक्लूजन वॉट टू डू तो हमने इससे ये वी कैन इन्फर वी कैन डिड्यूज फ्रॉम ऑल दैट कि सबसे बेस्ट मास्क है इज वॉल्व लेस एन नाइन्टी फाइव मास्क या फिर अगर नहीं है या आप कंफर्टेबल नहीं हो उसमें सो यू कैन डू डबल मास्किंग डबल मास्किंग क्या फर्स्ट यू वेयर द सर्जिकल मास्क नॉर्मल सर्जिकल मास्क पहनेंगे एंड उसके ऊपर क्लॉथ मास्क सो दैट मेक्स यू वेरी मच इम्यून अगेंस्ट द कोरोना वायरस एंड That's all for today. Hope you enjoyed this new session, uh, this new video series. And if you did, then please tell so that we can continue. Please do take care, take all the precautions. These are very difficult times, but if we take all the necessary precautions, we will definitely overcome. Stay home, stay safe. Goodbye.